आज आपको मिलवाती हूँ सबसे बड़े खतरों के खिलाड़ी से, ये देखिए। तोड़ लिया, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? वाह, मौसम्मी का पेड़, ये कौन सा नींबू है? हेलो एवरीवन, तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ, आप लोग के ही कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ। जिनके भी मुझे कमेंट पसंद आ रहे हैं उनके कमेंट को एक प्यारा सा हार्ट दे रही हूँ, लाइक कर रही हूँ। मुझे और मम्मी को हाल ही में पता चला है कि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में एक फार्म हाउस है एंड वहाँ पर सब्जियाँ बेची जाती है और भी फ्रेश फ्रेश तोड़ कर। तो मैं और मम्मी चलते चलते हम लोग आंवले के पेड़ के पास पहुंच गए और मुझसे रहा नहीं गया। आंवला वहाँ पे नीचे बहुत ही गिरे हुए थे अच्छे अच्छे, तो मैं उनको चुन रही थी और मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी इकट्ठा करने में। तो अब हम चलो फार्म हाउस चलते हैं। फार्म हाउस जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। आंटी एक थी बगल में, उन्होंने ही हमें बोला कि यहाँ से चले जाओ, बट हमें बाद में पता चला कि जो मेन गेट है वो कहीं और से था, बट हम लोग ये शॉर्टकट से आ गए। यहाँ पहुँच के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली है, सुंदरता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट जो आंटी है यहाँ की देख रेख करने वाली, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं थी और मुझे डर लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मौसमी का पेड़ है ये, और पहली बार इतने सारे मौसमी को देख के मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, मतलब अच्छा वाला ख़राब हो गया, मतलब अच्छा ख़राब क्या होता है, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। और ये देखिए दूसरी बार हम देख रहे हैं आंवला का पेड़, और इस पे कुछ ज़्यादा ही आंवले हुए हैं, वो भी बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हुए थे, उसमें से मैंने एक उठा लिया। चलो एक और उठा लेते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अचानक से क्या हुआ कि सब लोग वहाँ से गायब हो गए, सब लोग यानी एक तीन चार आंटियाँ भी आई थी फार्म हाउस में, और मम्मी कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं एकदम अचानक से डर गई, एकदम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंगल में फंस गई हूँ। और फिर अचानक से मम्मी आंटी वगैरह आ गए और मैं खुश हो गई। एंड सडनली मुझे पता चला, जो वहाँ पे देख रेख करती है आंटी, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया मुझे वीडियो बनाने से। उन्होंने बोला यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है वीडियोस बनाना, एंड मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मैंने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और मैं बस प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए वीडियो। देखिए भगवान को मैंने प्यारा सा हार्ट भी भेजा। वहाँ पे आंटियाँ जो आई थी, उनमें से एक आंटी ने ये साग खरीदा था, तो उसके बारे में ही मैं जानकारी ले रही थी, और सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिला। और ये मम्मी ने ख़रीदा है और बिल्कुल फ्रेश है, मम्मी बैठी है एकदम आराम से। और ये डॉगी मुझे बार बार देखे जा रहा था, जैसे लग रहा था कि इसका मेरा बरसों से नाता है, बट ये मेरे पास नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अब इसको भी पटाना पड़ेगा। तो मम्मी उन आंटी से बात बात कर रही थी कि मेरी बेटी है वो व्लॉग बनाती है, तो वो फिर धीरे धीरे मान रही थी एंड मैं इंतज़ार कर रही थी उनके मानने का। तो आप भी सुन लीजिए क्या क्या बात हो रही थी हमारी। सब झपट्टा मार लिया उसमें से, फिर मैंने देखा, फिर मैंने आवाज लगाई कि पहले रुको, सब भाग भी गया, रुको। उस रोज से एसटी नहीं आया, तो मस्ती करने आया। नहीं, अगर कोई भी एज अ ब्लॉगर आता है ना, तो वो पता है क्या करता है, वो यहाँ की सुंदरता को दिखाता है कि मैं एकदम डर गई आंटी, ऐसे मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ अचानक से। बना लो ना जान पहचान। तो फाइनली आंटी ने मुझे व्लॉग बनाने की अनुमति दे दी और आप खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो साफ साफ। थैंक यू सो मच आंटी, आंटी को वैसे मैंने बोला थैंक यू। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि वहाँ पे क्या क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मन कर रहा था कि मैं घूमती रहूँ, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत दूर में फैला था, मैं आधा दूर ही कवर कर पाई। ये देखिए, ये हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं मिठौआ नींबू करके, क्योंकि ये मीठा नींबू होता है और अभी खट्टा होगा क्योंकि ये छठ पूजा के टाइम तक हो जाता है बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए जो मम्मी खरीदी, लोबिया कहते हैं और बोरो वगैरह अलग अलग मतलब भाषा में बोला जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रेश उगा हुआ है और यहीं से तोड़ तोड़ के वो लोग बेचते हैं। और ये देखिए आंटी का चौकीदार, अभी रुक जा तुझे भी पटाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास आना चाहता है पर ये सोच रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो इनके पास जाऊँ कि नहीं। मम्मी आराम फरमा रही है, मम्मी कह रही है तू व्लॉग बना, तब तक मैं बैठी हूँ आराम कर रही हूँ। मम्मी को भी बहुत पसंद है नेचर। तो यहाँ पर मम्मी ने एक और सब्ज़ी खरीद ली है जिसका नाम है झिंगुनी, और मिर्च भी ख़रीदा है और बिल्कुल ही फ्रेश फ्रेश आंटी तोड़ कर लेकर आई हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये करौंदा है, बिल्कुल पका हुआ था तो मैंने तोड़ लिया, बिल्कुल डार्क कलर का, रेड एकदम था। और ये देखिए टहलता हुआ बिल्कुल मेरे पास आ रहा है, मुझे देख कर जा रहा है, झांक कर जा रहा है, जैसे लग रहा है कि किस बात के लिए इसको शर्म आ रही है, ये चाहता है कि मैं इसको बुलाऊं।
तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी इस कामना को पूरी की जाए, तो मैंने इसको बुला लिया और मेरे पास एकदम फटाफट आ गया, जैसे लग रहा था कि ये मेरे बुलावे का इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत ही क्यूट लगा, और मुझे वैसे सारे डॉगी क्यूट लगते हैं, पर ये भी क्यूट था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। और ये देखिए कितने सारे पपीते, और मैं बताऊँ तो हम लोगों ने पपीता भी ख़रीदा, मतलब लग रहा था कि सब खरीद के लेकर जाए, इतनी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ थी, बट ठीक थी। यहाँ पे इन्होंने सही, मतलब सही सही दाम पे सब कुछ ठीक से दे दिया। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे डोलता हुआ एक प्यारा सा हमारा सिक्योरिटी गार्ड, और अभी इसको खुजली हो रही है और ये अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है, बेशर्म लड़का। और अभी इसकी करतूत एक दिखाऊंगी, अभी रुक जाओ व्लॉग में बने रहना। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर आंटी जो है मौसमी छील रही थी, बोली कि आप लोग टेस्ट करके देखो कैसा लग रहा है। आंटी से हमारी बहुत ज़्यादा ही अच्छी से दोस्ती हो गई, तो मैंने सोचा खट्टा होगा, लेकिन गाइस मतलब मुझे लगता था कि मौसमी बहुत खट्टे होते हैं, बट ये बहुत ही मीठा था और मुझे बहुत पसंद आया, संतरा के जैसा। मतलब संतरा ज़्यादा मीठा होता है, उससे था बट मीठा मीठा था। और ये देखिए इसकी करतूत, ये है हमारा हुड़ हुड़ दबंग दबंग। ये देखिए कैसे छज्जे पे खड़ा होके सब देख रहा है, जैसे लग रहा है कि निगरानी नहीं करते हैं ऐसे छज्जे पे खड़े होके। वैसे आंटी बोल रही थी जब इसको ज़्यादा ही लाड़ प्यार मिल जाता है और सब इसको अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, तो ये छज्जे पे चढ़ जाता है और अपना हीरोबाजी दिखाने लगता है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको देख कर, और मैं इसको कह रही थी उतर नीचे उतर, बिल्कुल हीरो, एकदम हीरो के जैसा पोज करे जा रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं इसकी फ़ोटो ले रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको पता चल गया था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए और हीरोगिरी दिखा रहा था। एंड मैं अकेले निकल पड़ी थोड़ा सैर करने। ये देखिए कितना सारा केले का घवद लगा हुआ है। ऐसे माहौल को देख के मुझे गाना याद आया, ये मौसम का जादू है मितवा, नाब दिल पे काबू है मितवा। बस आगे नहीं गा सकती, क्योंकि गाइस आपको पता ही है ना कि आगे मैं गाना नहीं गा सकती, मैं वो वाली सिंगर हूँ जो सिर्फ दो लाइन सुना सकती है, बस आगे नहीं, आगे फिर वो एक्सपोज हो जाऊँगी फिर मैं। तो अब गाइस व्लॉग एंड करने का समय आ चुका है, और आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। देखिए हमने कितनी सारी सब्जियाँ ली है, और नेक्स्ट टाइम भी हम यहीं पर आएँगे फार्म हाउस में, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया ये फार्म हाउस। और आपको कितना अच्छा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय गाइस, फिर मिलते हैं, टेक केयर।